यूपी में एक दिन में कोरोना के 30,596 नए मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 129 लोगों की जान गई है। लखनऊ में अकेले बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 5,551 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना से 22 लोगों की जान गई है। प्रयागराज की बात करें तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 1,711 नए केस सामने आए। प्रयागराज में 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना के 1,839 नए केस सामने आए। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की जान गई। वाराणसी में 24 घंटे में कोरोना के 2,011 नए केस सामने आए। वाराणसी में 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। झांसी में भी 24 घंटे में कोरोना के 954 नए केस सामने आए हैं और झांसी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान गई है। आगरा में 24 घंटे में 440 नए केस सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 700 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की जान गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 236,492 लोगों के सैंपल लिए गए और जब परिणाम आया इनका तो यह पता चला कि 10% से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। 30,000 आज ये आंकड़ा निकल गया है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ से इस वक्त संकल्प दुबे और वाराणसी से हमारे संवाददाता नवीन पांडे। पहले संकल्प, ये आंकड़ा बता रहा है कि अगर 10 लोगों की के सैंपल लिए जा रहे हैं जांच करने के लिए तो उसमें 10% से ज्यादा, या ये कहिए कि तकरीबन 11 लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, 10% पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, 100 में से 10 या 11 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 30,000 ये आंकड़ा छू गया। अब आगे क्या तैयारियां हैं शासन की? जी बिल्कुल, अगर आंकड़े की बात की जाए तो पिछले दिनों में लगातार जिस तरीके से कोरोना पेशेंट्स की संख्या का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बन रहा है, आज भी महज जिस तरीके से उम्मीद थी प्रशासन को कि आंकड़े कम होने चाहिए, लेकिन फिलहाल सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लखनऊ, बनारस, कानपुर, प्रयागराज में जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है मृत्यु की जो संख्या लगातार उसमें भी इजाफा हो रहा है। अगर केवल लखनऊ की बात करी जाए तो पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की मौत हुई है, जो कि अपने आप में चिंताजनक है। जिस तरीके से लखनऊ के शमशान घाटों पर हालात हो, अस्पतालों में हालात हो, हालांकि मुख्यमंत्री आइसोलेट होने के बावजूद लगातार पूरे जो इस पैंडेमिक के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं उसका कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोगों को फिलहाल जागरूक रहना चाहिए वो तस्वीरें नहीं समझ आ रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी अगर बात की जाए व्यवस्थाओं के लिए, सरकार लगातार जो ऑक्सीजन की कमी की बात कही जाए या फिर जो दवाओं की कालाबाजारी को लेकर के धरपकड़ की बात करी जा रही है, सारे जो है वो व्यवस्थाओं को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को यह समझना होगा कि अगर लॉकडाउन लगाया गया है, घर में रहने के लिए उनसे अपील की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें उनके जान का फायदा जुड़ा हुआ है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार सजग है। ऐसे में कई जगहों पर आज भी देखने को मिला कि किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं उनके आने का सिलसिला शुरू है, लेकिन कई ऐसी जगह राजधानी में ही अगर बात की जाए, पॉश इलाकों में तो प्रतिबंध लगाया गया है, जो वीकेंड लॉकडाउन है, हालांकि सैनिटाइजेशन भी आज बड़े स्तर पर लखनऊ में शुरू किया गया है, लेकिन फिलहाल राजधानी की अगर बात की जाए तो यहां के लोगों को अभी भी इंटीरियर इलाकों में जहां जिस तरीके से चहल पहल दिख रही है, ऐसे में लगातार ये अधिकारियों की तरफ से कहा तो जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है, अनुपालन कराया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर जिम्मेदार लोग जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए, उनकी भी लापरवाही उजागर हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, जिससे अगर पिछले दिनों में कई ऑक्सीजन की कमी को लेकर के भी कई अस्पतालों में लगातार शिकायत आई थी, फिलहाल राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने इसको राहत, इस पूरे मामले को लेकर राहत भरी एक खबर दी है। कल ही राजधानी में एक ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना की
दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में अब तक ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन फिलहाल इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। चाहे बात की जाए इसको लेकर के भी शमशान घाटों पर जो लाइनें लगातार लग रही लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि अब मुख्यमंत्री ने इस चीज को भी लेकर निर्देश जारी कर दिया है कि कोई भी ऐसा मरीज जिसको कोविड निगेटिव उसकी रिपोर्ट है, क्योंकि अभी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें एक्सरेज और सीटी स्कैन्स में लोगों को लक्षण होने के बाद में आरटीपीसीआर में जो जांचें नहीं आ पा रही थी लोगों की पॉजिटिव और उनको लेकिन संक्रमण के अगर वो शिकार वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो उनको भी अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिए। और इसमें सख्ती इस तरीके से है कि अगर ऐसी कोई लापरवाही सामने आती है तो उस पर एफआईआर, अस्पताल पे एफआईआर, कर्मचारियों पर एफआईआर के भी निर्देश दिए गए। हालांकि बेडों की संख्या को लेकर वाराणसी का रुख करते हैं, नवीन पांडे हमारे सहयोगी वहां से की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमें अपडेट देने के लिए। नवीन, आज एक बड़ी समीक्षा भी वाराणसी के हालात को लेकर की गई है। मौजूदा परिस्थितियों में जब उत्तर प्रदेश में केस 30,000 प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, आज 30,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, वाराणसी में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और जो लोग हैं क्या उन तक राहत पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आज वाराणसी में जिस तरह से आंकड़े वाराणसी में लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार दिनों दिन जिस तरह से 2000 से ऊपर मरीजों की संख्या वाराणसी में आ रही है, कोविड मरीजों की संख्या, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने एक सुनिश्चित किया, अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि अब संवेदनशीलता के साथ जनता के साथ प्रयोग में आवे, इसके साथ साथ जो भी मदद हो संवेदनशीलता के साथ उन जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनकी मदद करें, कॉन्टेक्ट टेस्टिंग पे जोर देने की बातें की कही गई कि जिस तरह से कॉन्टेक्ट टेस्टिंग की कराने के पर सुचारू रूप से पहल की जाए अधिकारियों के, इसके साथ साथ 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीकाकरण पर जोर दिया जाए, इसके साथ जो व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से करने का आदेश प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। लेकिन लगातार अव्यवस्थाओं का दौर चलता हुआ देखने को, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े वाराणसी में बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से वाराणसी के हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, हर मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर देखने को मिल रही है। लिहाजा लोगों में जो मरीज आ रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इन्हीं सभी बातों पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी तरह से कोई समस्या जो पेशेंट है उनको ना आने पावे और सुचारू रूप से लोगों का इलाज हो पावे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी व्यवस्थाएं लचर ही देखने को मिल रही है, जनता परेशान है, लोग परेशान है। इसके साथ साथ आज जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया काशी में, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता जरूर व्यापारियों में देखने को मिल रही है कि व्यापारी पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पांडे, आपका संकल्प आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर है लखनऊ से। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए निर्देश जारी हो गए हैं। प्रवासियों को लेकर प्रदेश की सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि सभी प्रवासियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। ACS सूचना नवनीत सहगल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन में प्रवासियों को रखा जाएगा, यानी जो पुरानी व्यवस्था थी, पहले फेज की व्यवस्था थी, उसी तरह से व्यवस्था फिर से की जाएगी। पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे प्रदेश में सही तरह से बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है और प्रदेश का कोटा भी बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां जहां पर प्रदेश में जितने भी प्लांट ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाते हैं उसको भी मेडिकल उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि वह ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्री वाली ऑक्सीजन भी मेडिकल में उपलब्ध कराए। इसके लिए अधिक से अधिक सिलेंडर खरीदने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू कर दी गई है। पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का कार्य बड़ी तेजी से शुरू कराया गया है और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है पूरे प्रदेश में, ताकि एक सफाई स्वच्छता बनी रहे और सफाई में पूरी नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी टीमें हमारी लगी हुई हैं। और गाजियाबाद में सांसद वीके सिंह ने खुद ट्वीट कर एक कोरोना पीड़ित की मदद की। उन्होंने चंद्र प्रकाश राय नाम के शख्स के ट्वीट को डीएम गाजियाबाद को टैग कर रीट्वीट किया और उनकी मदद करने को कहा। दरअसल चंद्र प्रकाश राय ने ट्वीट किया था कि उनके भाई को कोरोना है और गाजियाबाद के किसी अस्पताल में उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो रही। इस पर वीके सिंह ने ट्वीट करके डीएम गाजियाबाद को मामले पर संज्ञान लेने को कहा। वहीं सोशल मीडिया पर वीके सिंह के ट्वीट को उनके भाई से जोड़कर
वायरल कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके बताया कि पीड़ित से उनका मानवता के सिवा कोई रिश्ता नहीं है।